मध्य प्रदेश की मंत्री हमारे साथ मौजूद है ललिता यादव जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सदन में कांग्रेस लगातार नोटबंदी का मामला उठा रहा है, क्या ये मुद्दा विहीन हो गई है कांग्रेस के? नोटबंदी ही एक मुद्दा बना है अभी। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता उपनेता प्रतिपक्ष ने ये बात उठाई कि स्थगन पर नोटबंदी के उसमें चर्चा होना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सारे विषयों को छोड़ के प्रश्नकाल छोड़कर भी उस पर नोटबंदी पर चर्चा आरंभ की। लेकिन कांग्रेस भटक रही है। कांग्रेस के नेता नोटबंदी को लेकर जिस तरह से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है सारा काला धन भी इनके पास है और पूरे देश का नागरिक जो लाइन में हजारों लोग लगे थे, आप लोग भी, मीडिया के लोग भी, आप लोग उनके पास गए होंगे। उन्होंने यही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा फैसला किया है, इस फैसले से आतंकवाद खत्म होगा, इस फैसले से जो नकली नोटों के जरिए आतंकवाद बढ़ रहा था वो खत्म होगा, और चिंता वो करें जिनके बोरों में नोट भरे, चिंता वो करें जिनके गद्दों में नोट भरे हैं, आम जनता को उससे कोई लेना देना नहीं। बहुत अच्छा सराहनीय फैसला जो देश के नागरिकों ने किया है, और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं, इसलिए कुछ तो हल्ला करें। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है और आत्महत्या वो लोग कर रहे हैं जिनके बोरों में पैसा भरा हुआ है। अभिषेक पांडे, इंडिया फर्स्ट, भोपाल।